हेलो एवरीवन, आज देखिबा एसएससी जीडी जोटा कि 2021 रे एग्जाम होता तार 16 नवंबर 2021 थर्ड शिफ्ट रे जो क्वेश्चन आसला से सब सॉल्व करिबा। आमे टारगेट रखिबा आउट 25 आउट ऑफ 25, बुझिपारे? देखियो आमे स्टार्ट करिबा क्वेश्चन। फर्स्ट हला प्रथम क्वेश्चन हला देखंदु, ए लॉस ऑफ 12% gets converted into a profit of 8.5% when the selling price of an article is increased by 164. प्रथमे बुझिबा, देखो केते परसेंट लॉस हेची? 12% लॉस हेची। जदी 12% लॉस हेची या माने निहाती 100 रो जिंस केते रे किनिथिबो? 12% लॉस रे बिकिथिबो माने 88 रे बिकिथिबो। बुझि पाले? केते रे बिकिथिबो? 88% रे बिकिथिबो। ओके, तापर देखो 88% बिकला परे जति से जो दाम रे बिकी थिला सेही दाम रे आउ जदि से 64 टंका अधिक बिकी पारि थांता माने करिचि कोन 100 टंका रे जिंस को 12% लॉस रे बिकिचि माने 88% बिकिचि, तापर से भाबुचि काश मु आउ 164 टंका रे अधिक बिकी पारि थांती तो मोर आग अपेक्षा 8.5% प्रॉफिट हे जांदा। देखो प्रॉफिट सब को कहा ऊपर हुए? कॉस्ट प्राइस ऊपर हुए। जदि प्रॉफिट 8.5% हेई थांता तो 100 रे केते हेई थांता? 8 टंका 50 पैसा। तो मु कहि पारिबी यार वैल्यू क्वेश्चन हिसाब रे देइछि केते 108.50। ओके, एतिकी परसेंट देइछि। तो तुमको पचाचि कोन व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तुमको पचाचि कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल केते हबो। कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल सब आपण जानते 100%, तो मु एबे कोन बाहर करबि 100% बाहर करबि। देखो एटा जदि मु याकु एपटे माइनस करबि ई हमर केते हे जीवो 20.5%, केते हे जीवो 20.5% रो वैल्यू हला मोर केते 164। जदि 20.5% रो वैल्यू 164 हला तेबे 1% रो वैल्यू केते हे जीवो 164 डिवाइड बाय 20.5, बुझि पाले? 20.5। तो ये मोर 164 डिवाइड बाय 205 इनटू 100। जदि मुझे याकु काटिबी ये हला 5 रे काटिले 20, याकु 5 रे काटिली ये केते हला 5 रे काटिले ये हला मोर 5 20 41, 41 को 164 रे काटिले 4, तो मोर बाहला केते टंका 80 टंका। एपटे गोटे जीरो कटिबार थिला बाय 10 कर दबा 8 बाहरिबो, बुझि पाले? तो 1% रे वैल्यू वाला 8 आपन को कोन मागिछि? कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपन को केते हे जेबो? कॉस्ट प्राइस हला आपन को 100%। तो कॉस्ट प्राइस जदि 100% 1% रे वैल्यू 8 है आपन को कॉस्ट प्राइस केते हबो? 800। ठीक, तो ये क्वेश्चन आंसर हे जेबो आपन को 800। ओके, तापर देखो दिया है जी, पेन आर ब्रॉट बाय ए शॉपकीपर एट द रेट ऑफ 1200 फॉर 150 पेन एंड सोल्ड एट द रेट ऑफ 1620 फॉर 180 पेन। देखो किनला केतला पेन 150टा पेन, मुटे ऊपर को नै जाय सुविधा हबो। किनला केतला पेन आपण कहियो किनिचि पेन 150टी पेन किनिचि, तो 150टा पेन रो कॉस्ट प्राइस आपण को देइचि केते? 1200 देइचि। केते देइचि? 1200 देइचि 150टा पेन रो। ओके, तापरे एंड सोल्ड द रेट ऑफ 1620 180। अच्छा किनिला 150टा, बिकिला केतेटा? बिकिचि 180टा। केते दाम रे बिकिचि? से बिकिचि दाम 1620 टंका रे, बुझि पाले? तो मु कोन करबि? देखो कोनोसी क्वेश्चन कल्ला पूर्वरु आपण क्वांटिटी समान करिवे, माने जतेटा किनिथिबे सेतिकिटा बिकिले जाय कि आपण कहि परिबे मोर केते प्रॉफिट हला कि केते लॉस हला। तो मु कोन करबि? एटी 150 अछि, एटी 180, मु समान करबि। तो समान कले मोर एलसीएम नेबाक पड़े, तो 150 आ 180 रे एलसीएम केते हला? 900, बुझि पाले? जदि 900 मु कोन करबि? इनटू 6 मल्टीप्लाई करबि उपरे, एठी मल्टीप्लाई करबि केते? 6। फायदा कोन हबो? फायदा ये हबो कि 900टा पेन मु किनी थिले केते दाम देकि? 12 6 72 7200। अच्छा 900टा पेन सेलिंग प्राइस 900टा पेन बिकिली केते दाम रे? आपण कहिबे 16 × 6 96, 20 × 6 120 माने 9700। ये हला 18, एटा 5 हला, एटा आपणकर 5, 18 × 5 = 90। देखो 16 × 5 = 80, 20 × 5 = 100, या माने केते हला 8100।
तो एठू आपण कौन बुझिले 900 टा पेन किनिथिले 7200 देकि बिकिले केते रे 8100 रे तो आपणकर निहाती प्रॉफिट हेछि केते प्रॉफिट हेछि आपण कहिबे 900 टका प्रॉफिट हेछि केते प्रॉफिट हेछि 900 टका प्रॉफिट सबुले कहा ऊपर हुए प्रॉफिट सबुले कॉस्ट प्राइस ऊपर हुए तो 900 बाय 7200 इंटू 100 देख जत्ते बेले एमिति आपण फ्रैक्शन पाइबे 9 बाय 72 ये आपणकर हेजो 1 बाय 8 1 बाय 8 रो फ्रैक्शनल वैल्यू केते 12.5 तो आपणकर ओवरऑल केते परसेंट प्रॉफिट हेथिबो 12.5% प्रॉफिट हेथिबो बुझियाला क्वेश्चन नंबर 3 करिबा देखंथु हड़बड़ रे आपण सब क्वेश्चन भूल जेंति न करंती ये 8 माइनस 88 देछि अच्छा ऑफ माने जानि चंती आगो ऑफ काम हबो बदमाश रूल अनुसार कोन हबो आगो ब्रैकेट काम हुए तापर ऑफ काम हुए तो मो तो ब्रैकेट दूर रे अछि मु आगो पार्ट को कर दिए बुझि पले तो 88 डिवाइड बाय 2 माने आपण को केते हला ये 2 ऑफ ये माने आपण को एठी लिखि परबा केते 22 केते लिखि परबा 2 ऑफ 11 माने 2 * 11 केते 22 तो 22 हला माइनस एठी देखो 22 72 माइनस 4 माने जानि चंती केते हबो 18 ओके एति बुझि पारथिबे अच्छा एबे देखंतु 88 माइनस 22 डिवाइड बाय 22 यानी आमे लिखि परबा एको 4 माइनस 4 देखंतु 4 माइनस 4 कटि गला तो रहिला केते 8 तो ये क्वेश्चन आंसर आपण को हे जेबो केते 8 ओके चलो क्वेश्चन नंबर 4 को जीवा देखंतु देई छी कोन इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 4% पर एनम इज 1536 बुझि पाले अच्छा सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट जदि 4% अछि आमे 2 वर्ष रे केते हबो सक्सेसिव लगे देबा 4 प्लस 4 प्लस 4 इनटू 4 बाय 100 माने मु कहि परिबी क्वेश्चन हिसाब रे देई छी 8.16% रो वैल्यू देई छी केते 8.16 रो वैल्यू केते देई छी 15.30 ओके तापर कोन क्वेश्चन पचा छी व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम फॉर द सेम पीरियड एंड एट द सेम रेट हला क्वेश्चन आपन को पचारि छी कि आपण कहंतु जदि सेम प्रिंसिपल हुए माने मूलधन समान हुए ता सहित जदि टाइम भी समान हुए और रेट भी समान हुए तबे सिंपल इंटरेस्ट केते मिलबो आपण जान जदि सिंपल इंटरेस्ट रो कोन वर्ष को जदि 4% 2 वर्ष रे निहाती 8% हबो या माने से क्वेश्चन चाहू छी जदि 8.16% रो वैल्यू 1530 क्वेश्चन पचारिबा कथा हला 8% रो वैल्यू केते तो आमे कोन करबा एठी आमे बाहर कर देबा 1% रो वैल्यू केते बुझि पाले नहले एडगु 1% कर देबा 1% केते हबो आपण कोन्तु 1530 डिवाइड बाय 8.16 बुझि हला 8.16 इनटू केते लेखिबा इनटू 100 इनटू 100 बुझि हला ये कले आपणकर 1% रो वैल्यू बाहरी जीवो ए 100 न कले भी चलिबो आपण को एठी दरकार भी नाही एटा को करंतु देखंतु केते होछ ये 1530 ये पॉइंट को हटेले 816 इनटू केते हला 100 जदी आपण याको कैलकुलेशन करंती आपणकर वैल्यू आसीबो 187.5 हला ये हला आपणकर को वैल्यू 1% रो वैल्यू ओके आपण को केते परसेंट दरकार सिंपल इंटरेस्ट माने 8% दरकार तो 8% आपण को केते हबो 187.5 इनटू 8 तो याको जदी आपण मल्टीप्लाई करचोते आपण को आंसर बाहरिबो 1500 केते बाहरिबो 1500 ठीक अछि तो ये आपण को आंसर हला 1500 ओके चलंतु देखिबा क्वेश्चन नंबर 5 कोन हबो ओके क्वेश्चन देई छी ए टैक्स 15 डेज टू कंप्लीट 5/7 ऑफ द वर्क कौन देची ए 15 दिन काम कले 5/7 माने 7 भाग रु 5 भाग काम कर दिए तो ए को पूरा काम करिया को केते दिन लागिवो आपण करिवे 15 इनटू 7/5 तो ये 5 3 15 7 3 केते हला 21 तो ए से काम को 21 दिन रे करी पारे ओके तापर देखो तो विद द हेल्प ऑफ बी माने आपण जानिले ए 21 दिन रे काम कर दिए अच्छा विथ द हेल्प ऑफ बी माने बी केते दिन रे काम करे जे देइनी किंतु ए आउ बी मिसे के काम करंती केते दिन रे देई छि सेटा केते 12 दिन रे हला तो आमे कोन करबा ए दि जणकर एलसीएम नै जिवा तो दि जणकर एलसीएम केते हबो दि जणकर एलसीएम हबो
करनी टे साइड रे ये 21 एपटे करदे ये 21 बार टोटल वर्क बाहर जो 371 तीन चौ बार देख 728 इंटु 384 तो आपण जानले टोटल वर्क हैला केते 84 एठी मु लेखिबी कौन एफिशिएंसी टोटल वर्क अछि 84 ए करि पारे 21 दिन से तेबे डेली 4 यूनिट करूथिबो ये बी डेली केते यूनिट करथिबो 84 बाय 12 माने 7 तो निहाती बीटा 3 यूनिट काम करथिबो बुझि पाले तो टोटल वर्क ला आपणकर 84 जो थे कि बी डेली करि पारे केते 3 यूनिट तो आंसर आपणकर केते हबो आंसर हबो आपणकर 84 बाय 3 माने 28 दिन देखन तो अच्छी ऑप्शन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन ये हला आपणकर 28 डेज ठीक अछि चलो क्वेश्चन नंबर देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 6 रे कोन दे छि देखो ए शॉपकीपर सेल्स एन आइटम 1638 कोन आमे कांसेप्ट कोन जानचू मार्क प्राइस रु जदि हमकु डिस्काउंट मिले बुझि पाले मार्क प्राइस रु जदि हमकु डिस्काउंट मिले तो हमरो सेला कोन हे जबो सेलिंग प्राइस मार्क प्राइस रु डिस्काउंट मिले सेटा हे जबो मोर कोन सेलिंग प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आ कॉस्ट प्राइस भितरे की अछि परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस अछि बुझि पाले तो ए कांसेप्ट रे ए क्वेश्चन टा हबो देखंतु ए सेलर ए शॉपकीपर सेल्स एन आइटम फॉर 1638 बुझि पाले माने सेलर टा केते दाम रे बिकिछि सामान टाकु 1638 टंका रे बिकिछि जो थरे कि से 16% डिस्काउंट देछि लिस्ट प्राइस माने मार्क प्राइस एका जिनस तो मु एठी कहि परिबि 84% रो वैल्यू देछि बुझि पाले केते परसेंट रो वैल्यू देछि 100 रे 16% डिस्काउंट देछि माने 84% से बिकिछि तो 84% रो वैल्यू हला आपणकर केते 1638 तो मु 1% मोर केते हे जइबो 1% हे जइबो 1638 बाय 84 बुझि हला तो जदि याकु आपण काटिबे काटंतु 4 4 दुई रे आगो काटंतु 21 7 रे सात रे काटंतु काटिक देखंतु सात रे काटि कि देखंतु 7 2 14 तापरे एपडे 2 3 रहिला 7 3 21 बुझि पाले 7 4 28 सात रे काटले ये हला केते 12 अच्छा एबे आहुरी ये कटि परिबो एटा केते देखंतु 3 2 5 4 9 एठी 12 अछि माने जो नंबर 3 रे कटिबो आ 2 रे कटिबो या माने से 6 रे कटिबो 6 रे कटिबो केते हाउछि ये एटा 2 एटा हला 6 3 18 छ नुआ चौवन माने 19 टंका 50 पैसा जदि 19 टंका 50 पैसा आपण जानिले तेबे मार्क प्राइस टा निहाते केते हेतिबो 100% हेतिबो 100% रो वैल्यू केते 1950 ओके दीरा जीरो चिपके देवार अछि 1950 क्लियर एबे जदि मार्क प्राइस आपण पाइले एतिक तो बुझी गले हार्ड ही नॉट अफोर्ड एनी डिस्काउंट तेबे तार प्रॉफिट हे थांता 30% क्वेश्चन कौन कहूँ जदि से डिस्काउंट दे नथांता जदि से डिस्काउंट दे नथांता या माने मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हे थांता आपण भाबि नथि डिस्काउंट ही नाही तो मार्क प्राइस इज इक्वल टू कौन सेलिंग प्राइस तो मार्क प्राइस आउ सेलिंग प्राइस जदि दुटा समान तो 1950 क्लियर डिस्काउंट देनी जदि से डिस्काउंट देनी तार प्रॉफिट केते हे छि 30% प्रॉफिट हे छि तो आपण बुझि गले सेलिंग प्राइस दे छि प्रॉफिट दे छि तो कॉस्ट प्राइस आराम से बारिबो तो कॉस्ट प्राइस केते हबो 1950 इनटू 100 बाय 130 ये 0 0 काटि दियंथु हला ये 13 13 इके 13 13 5 केते 65 माने आपणकर एठी आ गुडा 0 आसीओ 150 इनटू 10 आपणकर आसीबो केते आंसर 15 आंसर बुझि हला चालन तो देखिबा क्वेश्चन नंबर 7 केते केते हबो देखंथु देयर आर 5 नंबर केतरा नंबर अछि पांचटा नंबर तो आवरेज ऑफ फर्स्ट फोर नंबर इज 5/6 ऑफ द फिफ्थ नंबर माने बुझंतु जो फर्स्ट चारटा नंबर सीए हैला फिफ्थ नंबर रो 6 भाग रु 5 भाग माने बुझी पाले कोन कहिया को चाहू छी क्वेश्चन एया कहिया को चाहू छी कि जदी लेट मु करी दो छी देखंतु लेट द सिक्स्थ नंबर इज लेट द सिक्स्थ नंबर इज केते सॉरी सिक्स्थ नो है लेट द फिफ्थ नंबर इज केते अपन नेबे 6x क्वेश्चन ने कहिबा अनुसार कोन कि जोटा आवरेज हबो तो माने सो आवरेज ऑफ फर्स्ट फोर नंबर आपण को केते हबो 6x इनटू 5/6 तो ये 6x कटि गला आपण को ये केते 5x
एति क्लियर मु आउ थरे बुझे दउछि देखो क्वेश्चन कहउछि सेंटेंस टा टिके बुझिया को मुश्किल हे पारे देयर आर फाइव नंबर द एवरेज ऑफ फर्स्ट फोर नंबर इज 5/6 ऑफ फर्स्ट नंबर सॉरी फिफ्थ नंबर मींस फर्स्ट जो आपन को जो फिफ्थ नंबर टा से जहा हे तिबो आ फर्स्ट चारटा नंबर तार एई नंबर रो छ भागरु माने छ भागरु पांच भाग माने से नंबर गुडा एवरेज केते 5x हला आपण कौन जानले ना जो फर्स्ट चारटा नंबर तार एवरेज भी जानी पकेले केते 5x आ फिफ्थ नंबर एवरेज केते 6x तो आपण को टोटल देछि केते सम ऑफ द इफ द एवरेज ऑफ ऑल फाइव नंबर समस्तंकर एवरेज जदी 26 समस्तंकर एवरेज जदी 26 टोटल तेबे केते हे जेबो 26 पांचटा नंबर हला 130 बुझिहला तो क्वेश्चन ने कहिबा अनुसार फर्स्ट चारटा नंबर एवरेज केते 5x तो लिखिबा केते गोटे नंबर एवरेज ला 5x चारटा नंबर हले केते लिखिबा 5x प्लस इनटू 4 बुझि पाले प्लस जो एटा एटा आपनकर हला सम ऑफ फोर्थ नंबर फर्स्ट फोर नंबर फिफ्थ नंबर टा केते आपन को नै चंदे 6x तो क्वेश्चन अनुसार एई वैल्यू टी हला केते 130 तो आमे बुझि गले कि 26x ये 5 20 प्लस 6 केते हला 26x रो वैल्यू टा हला केते 130 तो ये आपनकर x रो वैल्यू केते आसी गला 5 x रो वैल्यू केते आसी गला 5 क्वेश्चन पचाचे व्हाट इज द फिफ्थ नंबर कोहंतु फिफ्थ नंबर टा केते फिफ्थ नंबर टा आपनकर केते नै चंदे 6x तो फिफ्थ नंबर आपनकर हे जीवो 6 इनटू 5 यानी 30 तो देखंतु 30 केमती हला 6x माने 6 इनटू 5 30 बुझि पाले तो ऑप्शन नंबर 7 सॉरी 7 रो केते हबो 30 हबो जीवा चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जीवा 8 क्वेश्चन नंबर 8 देखंतु ए टाइप रो क्वेश्चन आपण एसीएफएल केमती बाहर करिवो जल्दी टिके मु एपटे सम अप करे दोछ देखंतु जदी हमको 20 24 आउ धरो 28 रो एलसीएम मागिला आमे कोन करिबा ए गैप टाकु देखि देला हमर एलसीएम बाहर जेबो देखंतु ये एठी 20 24 केते 4 24 28 केते 4 तो जदी 4 ये रे कटिला 4 6 रे कटुची 4 28 रे कटुची तबे एसीएफ हिजबो केते 4 तो एई कांसेप्ट हिसाब रे आमे करिबा देखंतु केमती करिबा 2091 345 3485 आ गुटे केते देछि 4879 ए मानको भितरे गैप केते अछि देखि निअंतु 5 रु 1 जीव केते 4 8 रु देखंतु ए तरी एई तरीका रे कले आपण से बाहर करि परिबे नहले एमते नंबर को बाहर करिया बहुत मुश्किल हबो बुझि पाले तो मो तरीकाटा बुझ क्लास रे तमे सब पढै छी आपण को परे भी मु आपण को ऑनलाइन रे जते मु एससीएफ एलसीएम पढै भी आपण को सेते बेले सब कांसेप्ट बतेइबी आपण आराम से बुझि परिबे वर्तमान देखंतु 5 रु 1 जीव केते 4 8 रु 9 जीव केते 9 बुझि हला तापर 14 18 गला माने 7 एटी 3 अछि एटा 3 1394 ओके अच्छा एबे देख 9 रु 5 गला केते 4 एठी 17 रु 8 गला केते 9 7 रु 4 गला केते 3 4 रु 3 गला केते 1394 माने मो कहबा कथा 1394 2091 कटि पारे नले तांकर फैक्टर कटि पारे जदी एठु मु गुडे फैक्टर बाहर करे कोन कोन फैक्टर बाहरिबो 2 कले 2 जदी मु काढि नउ छी 2 6 12 2 9 18 2 7 14 बुझि पाले तो देखंतु ये तो आपणकर 1394 2091 कटि 94 कटि न थांता 2 त कटिबोनि 2 काई कटिबोनि 2 काई कटिबोनि लास्ट रे 1 अछि बुझि पाले तो जदी से 607 नंबर रे कटि गला माने जानि पकेबे एसीएफ हे गला बुझि पाले एसीएफ आपणक बाहर जबो केते 697 देखो कटु छै कि नै देखंतु 700 * 3 2100 हे गला 2100 रु ये केते कम अछि 9 कम अछि जदी 9 कम अछि ये निहाति छिंटु छि बुझि पाले जदी ये छिंटु छि तबे ये निहाति एलसीएम हे तो आ गुड़ चेक करंतु ধরন্তু 700 ইন্টু 5 3500 3500 রু ইয়ে কেতে কমুচি 15 তো 3 ইন্টু 5 অলসো 15 তো ইয়ে এইথরে বি কটুচি এইথরে বি কটুচি এইথরে বি কটুচি তেবে তো আপন জানি পালে এসসিএফ টা হলা 697 জহার ভ্যালু এক্স র ভ্যালু কেতে 697 কোশ্চেন অনুসারে এসসিএফ টা কইছি এক্স মানে আপন জানি পকেলে এসসিএফ টা এক্স দেখন্তু এতকি বড় নম্বরে কটিও বলে আপন গেস করি পারিবে নি এই লজিক রে আপনকো করিয়া পড়িব বুঝি পালে তো আপনকর সাম অফ দ্য ডিজিটস পচাচি সমস্ত মিশাইলে কেতে পচাচি মানে 6 প্লাস 9 প্লাস 7 কেতে হবে 50 তো 9 6 15 15 7 কেতে 22 তো আনসার আপনকর হবে 22 এটা হলো আপনকর কোশ্চেন নাম্বার 8 র আনসার ওকে মু ভাবুছি বুঝি পারতেবে চলো তো কোশ্চেন নাম্বার 9 কো করিবা কোন দেইছি এ বি এন্ড সি ক্যান ডু এ সার্টেন ওয়ার্ক ইন 10 ডেজ হলো মিন্স তিনি জন যাক মিশি কি
ଯଦି କୌଣସି କାମକୁ କେତେ ଦିନ କରିଦିଅନ୍ତି 10 ଦିନର କରିଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କେମିତି ବାହାରିବ ନା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କେତେ ଦିନ 10 ଦିନ ଏ ଇଜ୍ 20% ମୋର୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେନ୍ ବି ୟାନି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଏ ଯଦି ବି 100 ୟୁନିଟ୍ କାମ କରିପାରେ ଏ କେତେ ୟୁନିଟ୍ କରିପାରିବ 120 ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ଏଣ୍ଡ ସି ଇଜ୍ 50% ଲେସ୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ଦେନ୍ ବି ଯେଉଁ ସିଟା ସିଏ ହେଲା ବି ଅପେକ୍ଷା 50% ଲେସ୍ ଏଫିସିଏଣ୍ଟ ମାନେ ବି ଯଦି 100 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କହୁଛି ସି 50% କମ୍ ୟାନି ସି କେତେ 50 ତ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ରେସିଓ ବାହାରିଗଲା କେଉଁ ରେସିଓ ବାହାରିଗଲା ମାନେ କିଏ କେତେ କାମ କରିପାରନ୍ତି ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ଇଜ୍ ଟୁ ସି ଏ କରିପାରେ 120 ୟୁନିଟ୍ ତ ବି କରିପାରେ 100 ୟୁନିଟ୍ ତ ସି କରିପାରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ୟୁନିଟ୍ 50 ୟୁନିଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଭାଇଟାଲ ପଏଣ୍ଟ ଓକେ ତ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଗଲା ଏ 12 ୟୁନିଟ୍ କରିପାରେ ବି 10 ୟୁନିଟ୍ କରିପାରେ ସି 5 ୟୁନିଟ୍ କ୍ଲିଅର ତ ଟୋଟାଲ ୱାର୍କ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ହେଇଯିବ ଇଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ମାନେ 12 ପ୍ଲସ୍ 10 22 5 27 ତିନି ଜଣ ମିଶିକି କଲେ 27 ୟୁନିଟ୍ କାମ ହେଇଯାଏ ଯଦି ତିନି ଜଣ ମିଶିକି 10 ଦିନର କାମ କରନ୍ତି ତେବେ ନିହାତି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଟୋଟାଲ କାମ କେତେ ହେଉଥିବ 270 ତ ଯଦି ଟୋଟାଲ କାମ 270 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ବି ଏକୁଟିଆ ଯଦି କରିବ କେତେ ଦିନ ଲାଗିବ ଏଇଆ ତ ଯଦି ବି ଏଲୋନ୍ କରିବ ତେବେ ତାକୁ ଲାଗିବ 270 ଟୋଟାଲ କାମ କରିବାର ଅଛି ଆଚ୍ଛା ବି କରିପାରେ କେତେ ୟୁନିଟ୍ 10 ୟୁନିଟ୍ ତ ନିହାତି ସେ 27 ଦିନ ନେବ ହେଲା ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା କେତେ 27 ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଚାଲନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 10 କରିବା ଏ ଟ୍ରେଡର୍ ମାର୍କ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ସୋ ଆଜ୍ ଟୁ ଅର୍ନ ଏ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଫ୍ 28% ଅନ୍ ଇଟ୍ସ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କ'ଣ କହିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ କହିଛି ଏ ଟ୍ରେଡର୍ ମାର୍କ ଦ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଫ୍ ଆନ୍ ଆର୍ଟିକଲ୍ ଟୁ ଅର୍ନ 28% ଅନ୍ ଇଟ୍ସ କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ ସିଏ ଯେଉଁ ଦୋକାନଟା କ'ଣ କରିଛି କଷ୍ଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଯଦି 100 ଅଛି ସେ ତାକୁ ବନେଇଛି ମାର୍କ କରିଛି କେତେ 128 ମାର୍କ କରିଛି ମାନେ 28% ବେଶୀ କରିଛି ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କହୁଛି ହି ସୋଲ୍ଡ ଇଟ୍ ଗିଭିଂ ଏ 15% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ତାପରେ ସେ ତାକୁ ବିକିଛି 15% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ବିକିଛି 15% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ବିକିଛି ଯଦି ସେ 15% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟରେ ବିକିଛି ତ ସେ ବିକିଛି କେତେ ଦେଖ କେମିତି କରିବା 10% ହେଲା 12.8 10% କେତେ ହେଲା 12.8 5% ମାନେ କେତେ 5.4 ମାନେ ସେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼ିଛି ଏତିକି ମାନେ କେତେ ହେଲା ଇଏ 0.2 ଇଏ ହେଲା 16 ମାନେ 16.2 ସେ ଛାଡ଼ିଛି ବୁଝିପାରିଲେ ତ 16.2 ଯଦି ସେ ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ କହିଲି 128ର ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ 128% ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ୟାର 10%ଟା କେତେ ହେଲା 15% ସେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛି ଯଦି ସେ 15% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛି ତା ମାନେ ହେଲା 128 10% ହେଲା 12.8 ଏତିକି ବୁଝିପାରିଲେ ଆଚ୍ଛା 5% କେତେ ହେଇଯିବ 6.4 ତ ଓଭରଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ହେଲା ଇଏ 8 4 12 12 6 18 19.2 ମାନେ 128 ଟଙ୍କାରେ ସେ 19 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା ସେ ଛାଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଦେଇଛି ମାନେ ସେ ବିକିଛି କେତେରେ 108.8 ବୁଝିପାରିଲେ କ'ଣ କଲି 128ରେ ମୁଁ 19 ଟଙ୍କା 20 ପଇସା 20 ପଇସା ମାଇନସ୍ କଲି ତ ଦେଖନ୍ତୁ 100ରେ କିଣିଥିଲା 108.8 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଛି ମାନେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ସେ ପ୍ରଫିଟ୍ କମେଇଛି 8.8% କ୍ଲିଅର ତ ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ 8.8 ଯିଏ ଏଠି ନ ବୁଝିପାରିଲ ତମର ଏମିତି ବି କରିବ ଏକା ଆନ୍ସର ବାହାରିବ ଦେଖ 128 15% ଯଦି ଦିଆହେଇଛି 15% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମାନେ 100ର ଜିନିଷକୁ 15% ଛାଡ଼ିଛି ୟାକୁ କଲେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେମ୍ ଆନ୍ସର ବାହାରିବ ବଟ୍ ଏମିତି କରନ୍ତିନି ଏମିତି କଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ବାହାରିବ 108.8 ବାହାରିବ ଏମିତି କରନ୍ତିନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ ହିଁ କରନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ ଏମିତି କଲେ ଜଲ୍ଦି ହେବ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ କରିବା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 11 କ'ଣ ଦେଇଛି ଦ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ସାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଏ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଆର୍ ଇନ୍ ଦ ରେସିଓ 5:12:13 ମାନେ ଏଇଟା ଧର ଗୋଟେ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଛି 5 ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଛି 12 ଏଇଟା ଦେଇଛି କେତେ 13 ଏଣ୍ଡ ପେରିମିଟର ଦେଇଛି 90 ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ ରେସିଓରେ ଦେଇଛି ମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ନେଇଗଲୁ 12x 13x ଆଉ 5x ଟୋଟାଲ କେତେ ହେଲା 13 5 18 30x ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର 30x ର ଭ୍ୟାଲୁ ପେରିମିଟର ମାନେ ସମ୍ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ସାଇଡ୍ସ ସବୁଯାକ ମିଶାଇଦେବା ଆପଣଙ୍କର ପେରିମିଟର ବାହାରିଯିବ ତ 30x ଇଏ 90 ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 3 ଏକ୍ସ ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 3 ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପଚାରୁଛି ହ୍ୱାଟ ଇଜ୍ ଦ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଦ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ୍ ତ ଏରିଆ କ'ଣ ହୁଏ ହାଫ୍ ବେସ୍ ଇନ୍ ଟୁ ହାଇଟ୍ ବେସ୍ ହେଲା 5x
आउ हाइट केते हला 12x। तो जदि मु एटा को 2 एटा को 6 काटि देली ये आपणकर हला 30x स्क्वायर बुझि पाले। आउ x रो वैल्यू केते x रो वैल्यू हला 3 3 रो स्क्वायर केते हि जीवन 9। तो 30 * 9 आपणकर हबो केते 270 270। तो क्वेश्चन नंबर 11 रो आपणकर आंसर हबो केते 270। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बुझबा। क्वेश्चन नंबर 12 कोन देछि देखंतु देयर इज 70% इनक्रीज इन द अमाउंट 7 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट बुझि पाले। 70% बढ़ी 7 वर्ष रे। तो 70% जदि 7 वर्ष रे बढ़ी तेबे वर्ष को सुध निहाती 10% थिबो। वर्ष को सुध केते थिबो 10% थिबो बुझि पाले। तो एटा हला वर्ष को जोटा सुध सेटा को ही आमे कहंती कोन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके क्वेश्चन पचछि व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 8000 आफ्टर 3 ईयर आट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके देखो बहुत सारा मेथड्स अच्छी। तो मुझे 10% आपण को 3 वर्ष सुध के पचारा आपड़ ये डायरेक्ट अमाउंट इज इक्वल टू एमती भी करते अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1+R/100 टू दि पावर क्यू। बट एमती करवा जरूरी भी नुहे। देखो प्रिंसिपल के 800। ओके प्रिंसिपल के प्रिंसिपल देनी आपको व्हाट विल बी द कंपोनेंट। हाँ प्रिंसिपल देखिए आप 8000 क्लियर। अच्छा टिके ये बुझ क्वेश्चन पचार कंपाउंड इंटरेस्ट केते हम या तो आम ये बुझी जावा कि 10% माने के 1/10 माने वर्ष को 10 टंका उपरे 11 टंका मिल बुझिपाले। 10 टंका उपरे आपण को 11 टंका मिल हला एटा आपणकर अमाउंट माने फ्यूचर वैल्यूटा आपणकर हला। एटी 3टा 0 एटी 3टा 0 कटिगला ये हला आपणकर 8 11 रो क्यू ना 11 रो क्यू केते जानिसंती 1331। एबे 1331 को आपण जदि 8 रे मल्टीप्लाई कर दियंते आपण पाइबे 8 8 3 24 2 8 3 24 2 26। ओके आउ 8 10 तो 10648 टंका आपणकर कोन बनिचि कौन बन चाहिए आपको सुध बन बुझी पाले। अच्छा टोटल सुध और मूल मिसिक मैंने अमाउंट मिली तो आपंकर सुध के आपण करेंगे 10648 माइनस आपणकर मूल के 8000 थी तो आपण को सुध के 2648 बुझी पाल। यार या आम तीन चार पाँचटा मेथड्स भी आम बाहर करट से सब जिन जो पढ़ा देखा। ओके नेक्स्ट चलो क्वेश्चन नंबर 13 द इनकम ऑफ ए इज 70% मोर देन द इनकम ऑफ बी। क्वेश्चन बुझिपाले कौन कह क्वेश्चन कहि ए रो इनकम बी जहाँ कमाए ताठु 70% बेसी माने बी जदि 100 हैला ए ही जो मोर के 170। एंड द इनकम ऑफ सी इज 80% ऑफ द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी माने क्वेश्चन कहवा अनुसार सी रो से इनकम केते इनकम ना 80% कहार ए आउ बी मिसिकी जी कमाती तार हला केते परसेंट आपणकर ए प्लस बी एत क्लीयर है बुझिपाले समस्ते। तो या केमी देखु ये हला सी इज इक्वल टू 80% ऑफ़ द कंबाइंड इनकम। कंबाइंड इनकम मान आप जापे ए बी मिसिकी कमाती केते 270। तो ये मुझे लिखिदेवी के 270 बुझिपाले। ये 0 0 ये 270 बुझे ना ए प्लस बी मिसी के तो कमाती 270। तो 25 अष्टा 200 25 अष्टा 200 आउ 2 अष्टा 16 बुझिपार्च कौन कर 25 अष्टा 200 आउ 2 अष्टा 16 माने 216 216 यूनिट किए कमाए सी कमाए। क्वेश्चन पचारूँ कौन एटा बाहरी पार बुझीगल ए 170 जदि कमेला बी 100 टाँह कमेला सी के कमेला 216 बुझिपाल। बाय व्हाट परसेंट इज द इनकम ऑफ ए इज लेस देन दैट ऑफ सी माने ए रो इनकम सी अपेक्षा केते छोटो कहा अपेक्षा सी अपेक्षा से सी तले जीव बुझिपाले। तो आप कौन करेंगे ए रो इनकम केते 170 सी रो इनकम केते 216 या माने क्वेश्चन हिसाब से 46 टंका बेसी केते टंका बेसी बुझिपाले केते परसेंट लेस कह 46 टंका लेस ए 170 आउ बी सी है 216 माने 46 टंका कम कहा अपेक्षा 216 अपेक्षा यटा को 100 बुझीगला। यार आंसर टी देखी नि देखो 40 50 200 माने एटा तो हबनी। तो चेक करूँ के ऊपर को ये भी हबनी ये दिजन पखापाखी अच्छा तो चेक करनी बेटर हे
तो मु कौन करी या टे डिड कर देखने के ओके कहीं फ्रैक्शनल वैल्यू करवाटा बहुत मुश्किल हो तो बेटर हम डिवाइड करके देखने छयास ये 216 छयास इंटु दुई आपणकर के बाहर ये 432 है आठी है के 28 280 तो 280 माने ये गोटे के आसो जीरो ये 216 माने ये गोटे एक एटी के आसला 216 तो ये 10 रु 6 जीव 4 7 रु 1 जीव 640 ओके तो ये दुई लिखा तो 21.2 कि गोटे आसो जोटा कि आपंकर ऑप्शन नंबर 3 तो क्वेश्चन नंबर 13 आप आंसर के ऑप्शन नंबर सी ठीक अच्छे चलो तो देखियो क्वेश्चन नंबर 14 आप कौन क्वेश्चन अच्छे ओके तो 14 रे देखो कौन दे द प्राइस ऑफ टू वुलन जैकेट 7:9 बुझिपाले तो ए री भितर गैप के 7:9 मानते दुई रेसीयो वैल्यू किंतु क्वेश्चन अनुसार कौन कही इफ द जैकेट कॉस्ट इज 380 लेस देन बी ओब्वियसली जहाँ रेसीयो कम अच्छे से वैल्यूटा निहाती कम हो तो क्वेश्चन कह अनुसार दुई रेसीयो वैल्यू के 380 तो गोटे रेसीयो वैल्यू के 190 वन रेसीयो वैल्यू है आपणकर 190 एति बुझीगला क्वेश्चन पचार फाइंड द प्राइस ऑफ जैकेट जैकेट रो प्राइस केते तो प्राइस रो जैकेट प्राइस रो दाम जैकेट रो दाम केते प्राइस को जैकेट रो बी जैकेट रो तो बी जैकेट रो जानछन आपण 9 रेशियो तो गोटे रेशियो रो वैल्यू हला 190 तो 9 रेशियो आपण के केते हे जीवो 9 × 119 तो 1710 तो ए क्वेश्चन आपण के आंसर केते हे जीवो ऑप्शन नंबर 3 चलन तो देखिवा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि इफ देयर आर इन द रेशियो इफ 3 नंबर आर इन द रेसीो 3:5:7 ओके देख 3:5:7 दे 3:5:7 देखु कौन करवा जिते बड़े एमतीया क्वेश्चन थी सब भल हम आपणकर कौन करेंगे नंबरटा को ही नहीं जी 3x 5x आ गए के 7x बुझीगला तो आपण हिसाब से एलसीएम के एक्स कमन जीव 3 5 7 तो आपण हिसाब से एलसीएम है 3 × 5 × 7 × x एलसीएम तो आप मल्टीप्लाई कर दिखते सेम कले ये आप लिखिदेवे 2 4 1 5 है ये कलापर आप सुविधा हो देखु ये 5 5 20 ठीक अच्छे 5 × 40 5 × 3 15 एवं 7 काटि दिंतु 7 6 42 7 9 63 है ओके बुझिपाल ना 7 7 काटिले 7 6 42 6 3 अच्छा 3 काटिले ये केते हला 23 बुझिपाल तो आपन कौन क्वेश्चन पचारे क्वेश्चन पचारे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेकेंड नंबर एंड फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर और फर्स्ट नंबर भितर गैप केते मागी तो आप देखते सेकेंड नंबरटा है फर्स्ट नंबरटा है 3x सेकेंड नंबर है 5x माने फर्स्ट और सेकेंड भितर गैप आप 2x तो आप 2x के 2 × 23 के 46 ओके जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो क्वेश्चन नंबर 16 को देखिया कौन दे ए वेयर एनक्लोजेस आन एरिया 18634 सेंटीमीटर स्क्वायर अच्छा गोटे तार एमती अच्छे गोटे तार तार एरिया के 18634 सेंटीमीटर स्क्वायर कवर कर माने सर्कलटार एरिया के पायर स्क्वायर तो पायर स्क्वायर वैल्यू आपण हिसाब से देम हिसाब से 18634 एति क्लीयर तो आम ये बाहर करवा एक्चुअली रेडियस के तो ये है आपण 22/7 ये है आर स्क्वायर ये लिखिपर 18634 ठीक अच्छे या को आम काटा देखु केमी काटा ये 22 डायरेक्ट काटि दौ ना 11 काटिक देखुची है 11 2 11 2 के 22 ये जब मुझे 11 काटली ये है 1 तापर के 7 6 बुझिपारे 7 6 मान 11 6 66 66 कहले आपणकर के 103 11 9 99 11 4 44 है एबे या को दुई रा काटि दियो जदि मु दुई रा काटली 2 8 16 2 4 8 2 7 बुझिपारे एबे देखंतु आपणकर आर स्क्वायर रो वैल्यू अछि 847
इंटू सेवेन ओके आपण एको फ्रैक्शनल्स को भी करि परंती नहले मल्टीप्लाई भी कर दे परंती हला मुई एको धर मल्टीप्लाई कर देली मल्टीप्लाई करले केते हला 7 7 39 9 4 बुझि परचंती 7 4 28 4 32 32 माने 2 3 7 8 56 56 3 5 9 2 9 5 9 2 9 हला जदी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 5 9 2 9 तेबे आपणकर आर बाहरिबो केते आर बाहरिबो आपण को देखो 80 रो स्क्वायर हला 6400 हला आउ 75 स्क्वायर 5625 देखो 9 कोठी अछि 77 तो रेडियस आपणकर हेजबो केते 77 तो क्वेश्चन कोन कहिला क्वेश्चन एक्चुअली कहू छी कोन आगो गोटिए सर्कुलर थिला तापरे आपण ए जो तारोटा अछि सर्कल भलिया सब पर गोला हे कि थिल अछि एरिया कवर करथला आपण ताको एउटा रेक्टेंगुलर शेप देबे एही हिसाब रे आपण देबे तो शेप चेंज हले 2D रे कोन होए पेरिमीटर समान होए कोन समान होए पेरिमीटर समान होए जदि एथि पेरिमीटर समान होए तेबे आपण बुझी परथिबे तो 2 पाई आर आपणकर जहा हबो आ यार 2 इनटू एल प्लस बी बी सेया हबो तो मु देखिनिए कि एक्चुअली तारोटा केते लंबा अछि तो मु कोन करबी एथि लिखिबी 2 पाई आर बुझी हला तो 2 इनटू 22 बाय 7 आ ये हला केते 77 तो मु जदि 7 रे याको काटिबी ये हला 11 तो 22 44 इनटू 11 44 इनटू 10 440 आ 44 इनटू ए माने 484 पेरिमीटर आपण को हे गला केते 484 सेंटीमीटर एबे जानी पाले तारोटा जदि आपण खोली दियंती तार लंबा केते हे जो 484 सेंटीमीटर हे जीवो बुझी पालो अच्छा क्वेश्चन कौन दे छि एबे देखो तारो से जे चेंज हला माने शेप चेंज हला एटा क्वेश्चन हिसाब रे देई छि कोन ना देई छि हुज साइड्स आर इन द रेशियो माने ये जदि 6x हे गला ये हे जीवो केते 5x तो आपण को हिसाब रे रेक्टेंगुलर पेरिमीटर कोन 2 इनटू l प्लस b तो l प्लस b यारो पेरिमीटर माने लंबाई जहा तार भी सेती की हबो एटा बुझि पाले तो ये आपणकर 484 माने ये आपणकर हे गला के थे 242 माने 11x रो वैल्यू आपणकर 242 ठीक अछि तो x इज इक्वल टू देखंतु 11 2 22 2 2 अछि माने x इज इक्वल टू 22 क्वेश्चन पचा छि कोन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द शटर साइड सबुड़ छोटिया साइड साइड तर लेंथ केते पचार छि तो लेंथ केते जो छोटिया साइड ता माने ब्रेथ ता तो 22 इनटू 5 ब्रेथ ता आपण केते हे जेबो 5x 5x माने केते 5 इनटू 22 हला 110 तो ए क्वेश्चन आंसर आपण कर 110 हबो बुझियला चालन तो जीवा क्वेश्चन नंबर 17 एठी कोन दे छि द एवरेज ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन 6टा ऑब्जर्वेशन दे छि एति की तार एवरेज जेति 12.5 क्वेश्चन पचार छि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 बहुत इजी क्वेश्चन देखो कोन करबा एठी एक्स 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 केतरा अछि 6x 6टा ऑब्जर्वेशन 6x आ सब जन को मिसै दियंतु 2 5 2 7 8 7 15 15 11 36 36 14 50 50 ये हला 67 कोन कहिलु बुझि पाले 8 2 10 नै 5 2 7 8 7 15 15 11 26 26 14 40 40 प्लस 17 57 बुझि पाला एटा 57 हला बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन केतरा 6टी ऑब्जर्वेशन एटा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हे गला एटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हे गला इज इक्वल टू एवरेज हे गला याकू आपण जदि कैलकुलेशन करिवे आपणकर एक्स रो वैल्यू बाहर जीवो ये 6x प्लस 57 देखंतु 12 6 72 आ 0.5 इनटू 6 हेले 6 यानी एटा को जदि आपण सॉल्व करिवे केते बाहरिवो 78 ओके तो 12 6 72 नै 75 बाहरिवो केते बाहरिवो 75 तो 6x रो वैल्यू 75 माइनस 57 माने केते 18 तो एक्स रो वैल्यू केते 18 बाय 6 माने 3 एक्स रो वैल्यू बाहरी गला आपण कोन पचा छि व्हाट इज द एवरेज ऑफ फास्ट 3 फास्ट 3 माने को नंबर फास्ट 3 टा अछंती एक्स प्लस 2 अछंती एक्स प्लस 5 अछि आउ एक्स प्लस 8 अछि ए मानकर एवरेज माने ए मानको समस्त को मिसै दे कि बाय 3 करिवार अछि पचा छि केते तो समस्त को मिसैले केते हबो एक्स 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 ये हला 3x बुझि हला आउ 8 5 13 2 15 बाय 3 जदि मु 3 कॉमन नेली जदि मु 3 कॉमन नेली एठी केते आसुची एक्स प्लस 5 डिवाइड बाय केते 3 3 3 कटि गला एक्स रो वैल्यू केते 3 तो एवरेज आपण को केते हे जीवो 8 3 प्लस 5 8 तो ई क्वेश्चन आंसर केते हे जीवो 8 जीवा समस्त बुझि परचो
चलो जीवन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 18 देखो ये केमती करिया। बाय सेलिंग 18 ऑरेंज 15120 ए मैन लॉसेस 20%। बुझ पाले तो क्वेश्चन कहिबा अनुसार जदि 18टा ऑरेंज को 151 टंका 20 पैसा रे बिका जाए तो लोकटार 20% लॉस हुए। बुझी हला केतेटा ऑरेंज से बिकिबो हला 819 टंका रे तो प्रॉफिट जदि तार हबो केते 30%। तो केमती करिया देखंतु आमे गोटे फॉर्मूला जानिथिले देखो मने पडथिबो एम वन डी वन बाय डब्ल्यू वन इज इक्वल टू एम टू डी टू बाय डब्ल्यू टू सही कनसेप्ट को ये यूज करुच्छे कहीं कले बहुत जल्दी बाहर केतटा ऑरेंज 18टा ऑरेंज बुझिपाले। अच्छा केते लॉस कर 20% लॉसेस 20% लॉसेस माने 100 जिनस को 20% कम रे बिकियो माने 80 हला। अच्छा केते ये आपणकर केते हिची केते दाम रे बिकिची डब्ल्यू माने वर्क किंबा वेजेस पैसा भी हो पारे केते रे बिकिची से 151 टंका 20 पैसा रे बिकिची। बुझिपाले अच्छा हाउ मेनी ऑरेंज माने केतटा ऑरेंज केतटा ऑरेंज जगह आम एटी कौन लिखा एक्स ऑरेंज बुझे हूँ केते परसेंट प्रॉफिट चाहूँ 80 जिनस को केतरे बिकिया को चाहूँ डेजटा बुझिपाले ना 80 जिनस को केते प्रॉफिट कम 30 जदि परसेंट प्रॉफिट कम चाहूँ तेज 100 जिनस को निहाती ताको बिकिया पड़ो केत 130 बुझीगला। आउ डब्ल्यू टू केते डब्ल्यू टू माने केते टंकार से बिकिया को चाहूँ 819 टंका केते 819 टंका देखंतु एको काटिक देखंतु कोन बाहर छ। अच्छा ये देखंतु याकु आमे 9 रे काटि परिबा 9 2 18 जदि मु एटाकु 9 रे काटे 9 1 9 बुझि पर्तले आपनक पाखरे केते अछि 6 1 6 आउ 1 बुझियला 9 6 54 हला आउ 9 स्टा 72 माने 16.8 एति क्लियर। अच्छा जदि मु एपटे आउरी फर्दर काटे जेमिति एटा हला 2 8.4 2 8.4 हला ये आपण 16.8 हला जदि मु याकु काटे ये आपणकर बाय 10 हे थांता बुझि पछन नले एटी 0 0 कर दियंतु बेटर हबो। तापर एटी 8 2 16 एटा को जदि मु काटी दिए 8 रे ये हे जब आपणकर केते 2.1 2.1 एबे आपणकर पाखरे 21 अछि एपटे केते अछि आउ कटला वाला वैल्यू अछि कि आपण कोन करंतु एबे एटी एक्स डिवाइडेड बाय माने एक्स नुहे 2 डिवाइडेड बाय देखंतु आपण दोउचंती एसएससीजीडी किंतु कैलकुलेशन केते हेवी रहूची 2.1 इज इक्वल टू एटी केते लिखि हबो एक्स 13x 13 रे कटुची कि देखि नियंतु टे सुविधा हबो 13 6 78 13 3 39 अच्छा सुविधा हे गला देखंतु 21 3 63 सुविधा हे गलाटा नकल भी चलिबो 21 3 63 3 माने एटी 30 आसीजिबो बुझिगला। तो आपण को पाखरे रहिला केते x इज इक्वल टू 30 इनटू 2 60 x इज इक्वल टू केते रहला 30 इनटू 60 देखंतु मु बुझै सारछि ए जो कटाकटी जिंसडाला आपणकर आपण निजे करनेबे 60 ठीक अछि निजे हिसाब रे काटो एथिरे मोर किछ कहबार नै। तब देखंतु कोन देछि ए कार कवर द फर्स्ट 41 किलोमीटर ऑफ इट्स जर्नी इन 45 मिनिट एंड कवरिंग द रिमेनिंग 23 किलोमीटर इन 35 मिनिट बुझिपाला। क्वेश्चन पचाची व्हाट इज द आवरेज स्पीड ऑफ द कार मीटर पर सेकेंड हिसाब से चाहूँगी बुझिपाले मीटर पर सेकेंड माने जहाँ बाहर थी से आप भूली जीवन कौन करापी ना 5/18 करने को भूली जीवन तो मुझे कौन करी देखो आपन को आवरेज स्पीड चाहे मागिच तो आवरेज स्पीड इज इक्वल टू कौन हुए ना टोटाल डिस्टान्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम बुझिपाले। तो टोटल डिस्टेंस आपणकर केते गोटे डिस्टेंस होला 41 आ गोटे डिस्टेंस होला 23 टोटल टाइम केते आपण टाइम लागुची गोटे 45 मिनिट जदि 45 मिनिट लागुची काईने सब किलोमीटर पर आवर रे अछि आपण को भी आवर रे कन्वर्ट करय पड़े तो 60 डिवाइड करिवे 80 सेमिति 23 अछि सॉरी 35 मिनिट अछि तो आपण कोन करिवे डिवाइड करिवे केते 60 एतिक बुझिहला। तो याकु कैलकुलेशन कला परे आपन को केते स्पीड जहाँ भी स्पीड आसो किलोमीटर पर आवर आसो बुझिगला ये 64 एपटे जदि मु एलसीएम निए ये हिला 60 ये 45 35 मिसेले केते ला 80 बुझिगला। तो आपन कोन करिवे 64 इनटू 60 बाय 80
ये 20 3 60 20 4 80 ये 4 ये 16 आपणकर 48 किलोमीटर पर आवर किंतु आपण को मीटर पर सेकेंड दरकार तो आपण कौन करेंगे ये जो 48 लिखाई ये 48 आपण 5/18 मल्टीप्लाई करदे बुझिपाल। अच्छा या को काटिले केते हला आपणकर 9 ये हेगला 24 24 50 120 आहुरी कटिबो 3 ये हेगला केते 8 40/3 केते भला 40/3 40/3 माने जानि पछन 13 1/3 देखंतु एटा हबो 19 नंबर क्वेश्चन नंबर 19 रो आंसर हबो केते 13 1/3 जीवा चालंतु क्वेश्चन नंबर 20 करिबा देखिबा समूह हैज बोरोड 10,000 फ्रॉम ए मनी लेंडर विथ ए सिंपल इंटरेस्ट आट ए रेट ऑफ 7% पर 6 मंथ बुझिपाले 6 मास समूह 10,000 टंका सुध आनी केते परसेंट हिसाब से 7% हिसाब से हाउ मच अमाउंट विल बी पे एट द लीडर 3 वर्ष। अच्छा देखो 6 मास 6 मंथ रे केते परसेंट 7% बुझीगला तो वर्षक केते परसेंट हो 14% बुझिपाल 3 वर्ष केते परसेंट हो 42% बुझिपाल या देवाक पड़ो क्वेश्चन अनुसार प्रिंसिपल शुद्ध से मूल के 100% नहीं मूलटा सब 100% क्वेश्चन हिसाब से कौच 10,000 केते हजार 10,000 से जितेबाद चुकेब मान जिते उधारी मेकअप करते कौन दब सुध भी दब मूल भी दब तो अमाउंट केते सुध आपन 3 वर्ष 42% माने क्वेश्चन पचार जब 100% वैल्यू ये 142% वैल्यू केते हबो केते हबो आप निजे कहना ये 142,000 एति की तो टाँह हम अरे बाबा 1% वैल्यू जानपरते 1% वैल्यू केते 100 आदि आपण 100 मानने दरकार अच्छे 142% दरकार अच्छे तो 142 कर 2 0 चिपकेदे कौन एटा आपण 1% वैल्यू 1,000 आसो सरी 10,000 अच्छे ना 100 आसो 142 लगेदे कौन ओके जीवा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा इफ ए नंबर इफ ए सम ऑफ 6225 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स देखो क्वेश्चन क्लियर ना मुझे क्वेश्चन पठेदेवी चिंता करमी मत मिलल मुझे कथा भाविली तो करदे आप देखो इफ ए सम ऑफ 6225 इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स सच दैट 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ए अच्छा धरी नि 4 टाइम्स ऑफ फर्स्ट ए इज इक्वल टू द 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड पार्ट ओके एटा दे एंड एंड माने क्या विषय कहुची एंड माने ए विषय कहुची एंड 4 टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द 7 टाइम्स ऑफ थर्ड पार्ट 7c यानी आप बुझीपे क्वेश्चन अनुसार 4a इज इक्वल टू 5b इज इक्वल टू के 7c तो जितेबले आपन को 8 टाइप्र रेसीो दे कौन डिवाइड करने 1/ डिवाइड करने एलसीएम एम एलसीएम के 5 20 27 140 एमती कले किए केसीओ बांटी जमा पड़ज बुझिपाले तो ए देखु 4/140 कले के आसो ए बै 35 बी बै के आसो बी बै 28 आउ सी बै के आसला 20 एति बुझीगला क्वेश्चन दे कौन ना 6,225 टाँचा बंटा होनज भितर क्वेश्चन पचार फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकेंड पार्ट बुझीगला मुझे जूम कर दिए हेले भी जदि आप देखा जीवो ओके हला ओके देख यही जो जिनसा बाहर आपण सल्व करवा के सल्व करवा देख के आराम से हो पार ए बै 35 बी बै 28 सी बै 20 देना आपन कौन करेंगे आपको मागिचे डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट आउ सेकंड तो डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट आउ सेकंड माने ए मान के भीतर डिफरेंस केते 7 रेसियो बुझिपाले ए आउ बी भीतर डिफरेंस केते 7 केते रु ना 35 30 20 धर एटा को धरंतु 30 30 20 50 50 20 70 70 आउ 8 5 13 70 माने 83 बुझिपाले 70 माने 83 ना एमती करंतु 35 प्लस 28 एमती कले एकटु टाइम लागे बुझिपाले 63 प्लस 20 83 माने 83 तो 83 भाग रु 7 भाग तांको भीतर गैप आसीबो केते टंका अछि 6225 तो जदि मु याकू काटिबी आपणकर आसीबो
ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଟିକି ଦେଖିବେ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଆସିବ 75। ମୁଁ କେମିତି କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 80ର ସ୍କୋୟାର ନେଇଯାଉଛି 6400, ବୁଝିପାରିଲେ? କିନ୍ତୁ ତ 80 ତ ନାହିଁ, ଏଠି 3 ଅଛି, 3 ମାନେ ଗୋଟେ 5 କଟିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ 5 ଦରକାର, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତ କମେଇ ଦେଉଛି। ମୁଁ ଏମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କଲି, ଆପଣ କାଟିକି ବି ଦେଖିବେ ତ ସେତିକି ହେବ। 70 × 70 490, 5 × 7 35, ମାନେ 525 ଟଙ୍କା। ତ କେତେ ଟଙ୍କା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21ର? କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21ର ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ଆସିବ 525। ଓକେ, ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 21 ତାପରେ 22କୁ ଯିବା। ଦେଖ 22ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ସଲ୍ଭ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ଦ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଫ୍ 7/16 ଅଫ୍, ଅଫ୍ର କାମଟା ଆଗ ହେଇଯାଉ ହେଲା, କାହିଁକିନା ବ୍ରାକେଟ୍ ଭିତରେ ଦିଆ ହେଇଛି, ଅଫ୍ କାମଟା ଆଗ କରିଦେବା। 7/16 ଇଏ ଡିଭାଇଡେଡ୍ ଥାଉ, ଅଫ୍ ମାନେ କ'ଣ ହୁଏ, ଇଣ୍ଟୁ କରିନିଅ, ଦେଖିନିଅ କେତେ ହେଉଛି। ଇଏ ହେଲା 21/2, ବୁଝିପାରିଲେ? ଅଫ୍ ମାନେ 36 ବାଇ କେତେ ଲେଖିବା, 5। 36/7 = 35, 36/5 ହେଲା। ଇଏ 2, ଇଏ 18, କ୍ଲିୟର? ଏତିକି ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ଇଣ୍ଟୁ 5 × 3 = 15, 18/5 ହେଲା, 18/5। ଏଇଟା ବ୍ରାକେଟ୍ କାମଟା ସରିଯାଉ। ତାପରେ ଦେଖିବା ମାଇନସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 4/3 ଇଣ୍ଟୁ 9/8, ବୁଝିପାରିଲେ ନା? 9/8 ଇଣ୍ଟୁ 2 କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆଗ ସେ କାମଟା ହେଇଯିବ ବଦମାସ ରୁଲ୍ ହିସାବରେ। ପ୍ଲସ୍ କେତେ, 3/4 ହେଲା, ଏତିକି କ୍ଲିୟର? ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଟାକୁଟି କରିକି କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଏ 8, ଇଏ 8 କଟିଗଲା, ଇଏ କେତେ ହେଲା, 3। ଏପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଟିକେ ଲେଖିଦେବା 7/16 ଇଣ୍ଟୁ, ଏଠି ମୋର କ'ଣ କ'ଣ ବାକି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, 5, ଏଇଠି ଭିତର ପର୍ସେଣ୍ଟଟା ଖାଲି 5, ଇଏ 5 ଇଣ୍ଟୁ 18 ଇଣ୍ଟୁ 21, ଏଇ ପର୍ସେଣ୍ଟଟା ହେଇଗଲା ଏତିକିର। ଏତିକିର କାମ ଫାଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସରିଗଲା ଏହାର କାମ। ତାପରେ ଆମେ କାହାର କାମ କରିବା, 18/5, 18/5। ଆଉ ଏପଟେ କେତେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, 3 + 3/4, ବୁଝିହେଲା? ତ କରିକି ଦେଖ, ଇଏ 5/5 କଟିଗଲା, 18/18 କଟିଗଲା, 7/3 = 21, ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା 1/48 ମାଇନସ୍, ମାନେ ପ୍ଲସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, 3/4 - 3, ବୁଝିହେଲା? 48 ତ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଟା ତ ହେବନି, ଏଟା ତ ହେବନି, ହେଇପାରେ 1 ହେବ ନହେଲେ 4 ହେବ। ତ କେମିତି କରିବା, ଏଲସିଏମ୍ ନେଇଯିବା, ଏଲସିଏମ୍ ଯଦି ନେଇଯିବା 48, ଇଏ ହେଲା 1, ବୁଝିହେଲା? 48 ମାନେ ଏରିଆ କେତେ ହେଲା, 12 × 48, ମାନେ 12 × 3 କେତେ ହେଲା, 36। ଆଉ ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ମାନେ 48 × 3 କେତେ ହେଇଯିବ, 144, ବୁଝିହେଲା? ୟାକୁ ଯଦି ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିବା, ଆମର ବାହାରିବ କେତେ, -107/48। ଦେଖ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ବହୁତ ଇଜି ବୋଲି, ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ନଦେବେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 23। 23ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା, ଦେଖନ୍ତୁ। ଏ ବୋଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ଗୋ 10 କିଲୋମିଟର ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏଣ୍ଡ 11 କିଲୋମିଟର ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇନ୍ ଏ ଟୋଟାଲ୍ ଟାଇମ୍ ଅଫ୍ 52 ମିନିଟ୍। ମାନେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଶେଇକି 52 ମିନିଟ୍ ଦେଇଛି, ବୁଝିହେଲା? ଆଚ୍ଛା, ଇଫ୍ ଦ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଇଜ୍ 5 କିଲୋମିଟର/ଆୱାର୍, ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାନେ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ଦେଇଛି କେତେ, 5। ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଟ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ମାଗିଥିବ କେତେ, ହଁ ବୋଟ୍ର ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ମାଗିଛି, କେଉଁଥିରେ ମାଗିଛି ନା ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କେତେ ମାଗିଛି, ମାନେ ମିଶେଇଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, B+S ମାଗିଛି। ତ ଏଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି, ବିଟାକୁ ଧର ମୁଁ ଏକ୍ସ ନେଇଗଲି, ବୋଟ୍ର ସ୍ପିଡ୍ଟାକୁ ଧର ମୁଁ ଏକ୍ସ ନେଇଗଲି, ତ କ'ଣ ଲେଖିବି ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ? ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ ଯାଉଛି କେତେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଇ ସ୍ପିଡ୍ ହୁଏ। ତ ଟାଇମ୍ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଲେଖିବି କେତେ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଯାଉଛି ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ 10। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଲେଖିବି କ'ଣ, B - S, ମାନେ ବୋଟ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ହେଲା ଏକ୍ସ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ହେଲା କେତେ, 5, ବୁଝିପାରିଲ? ପ୍ଲସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଏଠି କେତେ ଲେଖିହେବ, ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ କେତେ ଅଛି, 11, ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ଅଛି, x + 5। ଦେଖ ସ୍ପିଡ୍ ସବୁ ନା, ଏଇଟା ସବୁ କିଲୋମିଟର ଦେଇଛି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମିନିଟ୍ ଦେଇଛି ସେ ମିନିଟ୍କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆୱାର୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଭୁଲ ନକଲେ କରିବେନି ଆପଣ ବିଲକୁଲ। ଇଏ 13, ଇଏ କେତେ, 15, ବୁଝିହେଲା? ଏବେ ୟାକୁ ଆପଣ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବାର ଅଛି, କାଲକୁଲେସନ୍ କରିଦିଏ ଦେଖ।
आपण को एक्स बाहर ये काटला के आसला 15। तो देख मु कौन के करवा आम जब एलसीएम नवा ये हम मोर एक्स माइनस फाइव इंटु एक्स प्लस फाइव ठीक अच्छे एपटे जदि मुझे करी 10 इंटु एक्स प्लस फाइव प्लस 11 इंटु एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू 13/15 ये बुझीगला। अच्छा तापर या छोट जदि करवा देख कैलकुलेशन टा करो कंटिन्यू करो 10x प्लस 50 प्लस 11x माइनस 55 डिवाइड बाय ये एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 13/15 बुझीगला। ओके तापर देख 10x 11x माने 21x माइनस 5 बुझी 21x माइनस 5 अच्छा डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 13/15 ओके 13/15 हला। तापर देख याकु जदि आम सॉल्व करिबा 21 × 15 के 210 प्लस 105 210 प्लस 105 के हम आप कहे 210 प्लस 105 13 315x माइनस के 75 माइनस 13x स्क्वायर देख किसी चारा ना मजबूरी कहीं ये जब किसी वन फन होता है मैं ट्रिक्स आपको बतई दे था 25 आउ 13 50 मैंने आप रहा के 325 इज इक्वल टू के 0। तो या जदि मुझे करी बाहर ये मोर 13x स्क्वायर माइनस साइन मल्टीप्लाई करदेली बुझीपारे आई के 315x आपटे लेखिपर 325 माइनस 250 माइनस 250 ठीक अच्छे या सल्व करुच्ची देखु 13x स्क्वायर माइनस 325x प्लस 10x माइनस 250 इज इक्वल टू केते 0 हेलो। तो जदि मुझे प्लस 10 कमन नौची ये एक्स माइनस 25 बाहर आपटू जदि मुझे 13 कमन नौची 13x कमन नौची हेलो 13 जदि मुझे कमन नौची तो मोर के बाहर ये 13x कमन नेली ये एक्स माइनस 25 हला। तो आपणकर 13x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 गोटे बाहर आउ एक्स इज इक्वल टू 25 गोटे बाहर। तो एक्स इज इक्वल टू माइनस 10/13 तो हेनी कहीं हेनी जापारे ना नेगेटिव तो आसवनी तो आपणकर एक्स बाहर के 25 बुझीगला। एवं देखनी क्वेश्चन कौन क्वेश्चन पचार व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के स्पीड पचार बुझीपाल बोट र व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन डाउन स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बोट स्पीड के तो बोट स्पीड डाउन स्ट्रीम मिसी बोट स्पीड डाउन स्ट्रीम मिसी बोट स्पीड के जान लें 25 और स्ट्रीम स्पीड जान लें 5 मिसीगला के 30 ठीक अच्छे देखने ये ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपंकर ए हो चलतु नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24 को जीवा हला देखिकी लिखने नेक्स्ट चलत क्वेश्चन नंबर 25 को जीवा 24-25 देखो कौन करवा इन ए मिक्सचर ऑफ 75 लिटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 3:2 बुझीगला जेकोसी मिक्सचर रे जेकोसी मिक्सचर रे मिल्क इज टू वाटर रेशियो केते देछि मिल्क इज टू वाटर रेशियो आपन को देछि केते 3:2 तापर कौन करागला। अच्छा 3:2 इफ द रेशियो इज 1:2 तापर कौन मिसाई 1:2 कराई बुझीपाल हाउ मच वाटर शुड बी एडेड केते वाटर आड करेंगे। अच्छा आपण वाटर आड कर कौन आड कर वाटर जदि वाटर आड कर मिल्क रहा कथा कौन सेम तो मिल्क सामान ना तो सामान केमती बनवा इंटू 3 करदे 3 जदि आम मल्टीप्लाई करदे ये फाइबा कौन 3:6 या मैंने आम बुझीगलु मिल्क तो सामान अच्छे जहाँ भी आड कर वाटर आड कर वाटर केते आड कर 2 = 6 माने 4:1 आड कर केते रेशियो 4:1 तो जदि 4:1 आड कर क्वेश्चन में देता के
75 लीटर माने 5 रेशियोर वैल्यू देइथला, 5 रेशियोर वैल्यू क्वेश्चन अनुसार देइथला केते 75 75 देइथला, तो गोटे रेशियोर वैल्यू केते हे जीवो 15, जदी गोटे रेशियोर वैल्यू हे जीवो 15 तबे 4 रेशियोर वैल्यू केते हबो 4 * 15 हला 60, तो आपनकर आंसर केते हबो 60, बुझि हला। चलंतु क्वेश्चन नंबर 25 को देखिबा, हला। इन ए क्रिकेट टीम वांट्स टू विन 80% ऑफ मैचेस आउट ऑफ 425। अच्छा केते परसेंट जितिया को चाहौछि? 80%। तो मैच वन केते हबो, मैच जितिबो केते, मैच विन केते हबो जदी 80% चाहे, तो 80/100 * 225 याकु जदी आपण काटंती ये 4 ये हे गला केते 5, याकु काटले 45, 45 * 4 हला 180, तो आपण को 180 टा मैच जितिबा को पड़िबो, बुझि पाला। किंतु कौन हेची ना आउट ऑफ 120 मैच ऑलरेडी प्लेड द सक्सेस रेट 70%, माने मैच खेला हेची 120 टा सेथिरे जीता हेची केते 70% जीति चंती, माने जीति चंती केतेटा 84 जन 84 टा जित माने मैच जीति चंती ए पर्यंत विन, जदि 84 टा जीति चंती आ जितिबार अछि केते केते जितिबार अछि ना 184 माइनस 84, तो आपण को जितिबार अछि केते 96 टा मैच जितिबार अछि, क्लियर एतिक बुझि हेतिबो। जदि 96 टा मैच जितिबार आउ अछि 225 टा मैच रु 120 टा मैच खेली दिया जाय छि, बुझि पाले, तो आपण पाखरे आ मैच केतेटा अछि 105, बुझि पाले ना केमदि 105 ना 225 टा मैच खेलिवार थिला जोथरे कि आपण 120 टा खेली सारचंती, तो आपण को आउ केतेटा मैच खेलिवार अछि 105, बुझि पाले, माने आपण को 105 टा मैच रु 96 टा मैच जितिबा को पड़िबो, सेटा केते परसेंट मांगी छि, बुझि हला। टिके कैलकुलेशन करने बा कोन किछि कथा नै, आराम से हबो। देखन कौन करिबा हमें नाम परसेंटेज वन केते दरकार आउ ना 96/105 * 100, देखिनियो केते बाहर छि ये 9600 धरिनियो एको 105 रे मु डिवाइड करले, 105 रे डिवाइड करले एठी केते आउ छि 105 9 105 * 9 करले केते आउ छि 5 × 45 आ 100 945 बाहरला, बुझि पाले। आपण को पाखरे अछि केते 150, ओके यानी एपटे 1 आसीबो, 1 आसीले ये हेगला 105, रिमाइंडर आपण को केते रहला 45 450 हला, तो आराम से हे पारिबो, किछ बड़ कथा नै। 105 * 4 एठी केते लिखिबा एतिक थाउ 45 थाउ, 45 थिले कोन अछि असुविधा, किछ दरकार नै आपण को। देखंतु आपण कोन करिवे ना जो ए परसेंट आसला ये हला 91, क्लियर 45/105 जदि फर्दर या को काटि दियंती 15 × 3 = 45 15 × 7 = 105, तो आपण को केते शतकड़ा आसुची, शतकड़ा 91/3/7% जोटा कि आपण को ऑप्शन नंबर 4, ठीक अछि। अच्छा देखंतु मु ये सेट ता जुडा करली, एटा आपण को पढ़ी थिला क्वेश्चन एमिति नै जे मु याडू साइड धरि के आछि, ये क्वेश्चन आपण एग्जाम भी देथे पैटर्न देखी थे, तो ये क्वेश्चन आप एसएससी जीडी रो क्वेश्चन था जोटा कि 2021 16 नवंबर शायद डेट मन नहीं देखी ने क्वेश्चन थिला। नेक्स्ट क्लास भी आम एम अलग अलग प्रत्येक एग्जाम गोटे गोटे क्वेश्चन धरिकी आसवा, सो दैट आपण एग्जाम रिलेटेड जो क्वेश्चन केमी आसे कौन आसे आपड़ आयर हो पारे है। वर्तमान पर कौन करते आप अति रु मान बेस रु बेस चैनल को सब्सक्राइब करूँ, लाइक करूँ, कमेंट करूँ, सांगसाथी मान कहतु आर्तमान पर थैंक यू।